हेलो एंड वेलकम टू आइडियाहॉलिक। आज हम यूपीएससी के 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ऑप्शन दिया गया है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, वाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिखे। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या बोला गया, x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 25। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया है, y इज लेस देन और इक्वल टू 40। y क्या है लेस देन और इक्वल टू कितना है 40। एंड इसके बाद हमें क्या बोला गया, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हमें, ऐसे पूछा गया है कौन सा इसमें से हमेशा करेक्ट रहेगा, ऑलवेज करेक्ट, ये कीवर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई बोला गया, और हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, वो हमेशा सही होना चाहिए। तो एक्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा हमेशा सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक्स वाई 40 भी हो सकता है और एक्स 25 भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, वाई बड़ा है एक्स से, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। यहाँ पे क्या बोला गया, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 15, मतलब 15 से हमेशा हमेशा वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ऐसा है क्या, देखते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल 40 लेते हैं, हम 40 जो लास्ट लिमिट है, हम 40 वाई का वैल्यू हम 40 से ज्यादा नहीं ले सकते, हमें 40 से कम ही लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 40। एंड वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 25, उससे ज्यादा ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हम, तो 25 माइनस करते हैं, तो बस 15 आए, तो हमारे पास सिर्फ 15 आया। 15 से ज्यादा हो सकता है क्या, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक्स यहाँ बड़ा है, तो एक्स का वाई का वैल्यू मैंने मैक्सिमम 40 दे सकते हैं एंड एक्स का वैल्यू मिनिमम 25 ही दे सकते हैं। इसके लिए हमारा जो वैल्यू मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो 15 से ग्रेटर नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमेशा, मतलब 50 से ग्रेटर नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 26 लेते हैं और यहाँ पे 39 लेते हैं, तो 15 में हमारा आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अभी इससे थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, वाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, y माइनस एक्स क्या है लेस देन और इक्वल टू 15, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या है, y y का वैल्यू हमारा मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, क्योंकि y क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, तो मैक्सिमम वैल्यू 40 लेते हैं। एंड मिनिमम वैल्यू, x का मिनिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, इसलिए 25 कर दें, 15 आ रहा है, चलो इक्वल तो है 15 से। अब हम y का वैल्यू एक कम करते हैं, x का वैल्यू कम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 39 लेते हैं y का वैल्यू एंड इसका लेते हैं 26। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, 9 माइनस 6 3 130, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 15 से 39 मतलब वैल्यू क्या हुआ, कम हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे, तो एक ऐसा सिचुएशन आया, क्या आएगा सिचुएशन, जो यहाँ पे x एंड y दोनों सेम हो जाएंगे एंड उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड उसके बाद में x का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एंड y का वैल्यू कम हो जाएगा, तो हमारा नंबर क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें वो 15 से मतलब कम ही होता जा रहा है, मतलब हमारा वैल्यू जो है मैक्सिमम 15 है, 15 से ज्यादा हो ही नहीं रहा है, कोई होगा ही नहीं, एंड 15 से जो भी हम कितना ही माइनस करेंगे वो वैल्यू क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन अभी यहाँ पे सी करेक्ट बैठ रहा है, पर हम एक बार फॉर डी वाला भी देख लेते हैं। डी वाला क्या है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। यहाँ पे क्या बोला, एक्स प्लस वाई क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, मतलब 65 है या फिर 65 से ज्यादा है, उससे कम नहीं हो सकता है, पर ऐसा है कि हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने y का वैल्यू 40 लिया एंड x का वैल्यू सपोज नहीं, हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, x का 25 ले सकते, 25 ले लिया, एंड y का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, सपोज 30 ले लिया हमने, 25 प्लस 30 प्लस क्या होता है 55, तो यहाँ पे 65 से मतलब इक्वल है क्या, नहीं, कम आ गया वैल्यू हमारा, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, जो भी क्या है, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग।